हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर एंड दिस इज अंकित वर्मा। फ्रेंड्स, अगर आप भी नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए आप एक बेस्ट बुक लेकर के आया हूं। अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आपके सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और जो आपके मॉक टेस्ट में या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होते हैं तो आपके सारे कवर हो जाएंगे। आप एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे अगर आप इन बुक्स को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आपके लिए कोई ऐसी वैसी बुक नहीं लेकर आने वाला हूं, मैं आपके लिए अरिहंत पब्लिकेशन की बुक लेकर आने वाला हूं, जो जिसका एक जाना माना नाम आपको आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम नाविक डीबी के लिए, जो कि नाविक डीबी एक 10th बेस एग्जाम है जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। तो हम उसके लिए बात करते हैं बुक कौन सी है। तो दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक तीनों का एक साथ कवर करती है। तो दोस्तों, इसमें जो कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं, इसमें मैथमेटिक्स, साइंस और जो हमारा इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल नॉलेज सभी के सभी हमारे दिए गए हैं और ये जो है हमारी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाविक डीबी के लिए, जो अगर इसमें नाविक डीबी में हमारा मोस्टली नॉन मेडिकल का सिलेबस आता है, तो नॉन मेडिकल के लिए आपको थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए अलग से। तो स्पेशल आपको नाविक डीबी के लिए मैं एक बुक और लेकर के आया हूं आपके लिए अरिहंत पब्लिकेशन की। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे नाविक जनरल ड्यूटी जीडी के लिए सेक्शन 2 है, ये वो सेक्शन 1 था, ये सेक्शन 2 है। मतलब कोस्ट गार्ड के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की सिर्फ ये दो बुक ही है जो आपके लिए प्रोवाइड की गई है। इसमें केवल फिजिक्स और मैथ देखने को मिलेगा आपको। तो अगर आप इस बुक को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका नाविक जीडी का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, मैं आपको वैसे ही नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ये बुक परचेज करके दो बार इसका एग्जाम क्रैक किया है। मैंने नाविक डीबी के लिए नहीं किया था, नाविक जीडी के लिए अप्लाई किया था। मैं खुद एक नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूं जो अभी एनआईटी कुरुक्षेत्र में स्टडी कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने खुद इसके लिए दो बार इसका एग्जाम क्रैक कर लिया है और दोनों बार मैंने इन्हीं बुक्स को फॉलो किया था और कहीं से कोई भी मॉक टेस्ट या कुछ भी नहीं लगाया था। तो मैं आपको ये यकीन दिलाऊंगा कि अगर आप इनसे तैयारी करते हैं तो आप श्योर सिलेक्शन इसमें डेफिनेटली पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन बुक्स को फॉलो कीजिए और मन लगा करके हर रोज कम से कम थ्री आवर्स इन बुक्स को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली 1 month के अंदर कंप्लीट स्टडीज को कर पाएंगे और श्योर सिलेक्शन इसके अंदर ले पाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा मुकाबला क्वेश्चन से नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा बहुत ईजी आता है। अगर आप एक बार इन क्वेश्चन को फॉलो कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगे, लेकिन आपको स्पीड भी थोड़ी मेंटेन रखनी है। तो स्पीड को बढ़ाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, इस बुक को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।